अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ यू कैन लुक आफ्टर योर बॉडी। आवर प्रीवियस लेक्चर वॉज ऑन द बॉडी मशीन एंड अ टॉपिक इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, हाउ यू कैन लुक आफ्टर योर बॉडी। आप अपनी बॉडी का ख्याल किस तरह कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू लुक आफ्टर योर बॉडी। बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बॉडी की ध्यान रख सकते हैं, लुक आफ्टर देखभाल कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं। कीप योर बॉडी क्लीन, फर्स्ट अपनी बॉडी का ख्याल करें, ठीक है। आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही है, अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें। कीप योर बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें। किन तरीक़ों से अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें, अपने बालों को रोज़ कॉम्ब करें, ब्रश करें, हाथ साफ़ करें साबुन से अच्छी तरह, टूथब्रश करें। इन तरीक़ों से आप अपनी बॉडी को नीट क्लीन रख सकते हैं। योर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। दिस विल कीप ऑल योर बॉडी पार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली। इससे आपके जिस्म के तमाम अज़ा, आपके जिस्म के तमाम हिस्से अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम करेंगे। आपकी बॉडी को गुड फूड, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। आप ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड में आप जूसेस, मिल्क, हेल्दी डाइट लें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, मीट लें, इस तरह आप इसको हेल्दी फूड लेंगे, ठीक है। हेल्दी फूड से आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आप स्ट्रांग होंगे, जिसकी मदद से आप खेल सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। योर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के खानों की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। द फूड यू ईट शुड इंक्लूड, जो आप खाना खाते हैं उसमें एग्स, अंडे होने चाहिए, मीट गोश्त होना चाहिए, मिल्क दूध भी शामिल होना चाहिए, राइस और ब्रेड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर अ डे। आपको दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है आपके लिए। गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। और इस चीज़ का भी ख्याल करें कि आप मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर रहे हैं और अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। आज हमने पेज 9 और 10 की रीडिंग की है। इंशाल्लाह कल हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी रीडिंग करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।